दैनिक सवेरा देख रहे देश विदेश रे दर्शकों का स्वागत है। मैं भावना खबर की शुरुआत कर देश खबर तो पंजाब कांग्रेस की प्रधानगी लैके कांग्रेसी आगुआ दियां धड़कना तेज हुई जापदिया ने। इसके चलते नवजोत सिंह सिद्धू कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर पहुंचे। रंधावा के चंडीगढ़ के सैक्टर 29 के स्थित मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग सिद्धू के नाल कई कैबिनेट मंत्री विधायक भी मौजूद सन। दस दिए कि सिद्धू बिना सिक्योरिटी के ही अपनी कार विच इत्थे पहुंचे। अगली खबर वल वधदे आ। पंजाब कांग्रेस विच चल रहे कलेश नूं लैके जिथे सिद्धू धड़े दीआं मीटिंगां चल रहीआं ने, उत्थे ही मुख्यमंत्री ने अपने सिसवा फार्म हाउस ते कुछ विधायकां अते संसद मैंबरां दी मीटिंग बुलाई। कांग्रेस विच इक वार फिर धड़ेबंदी खुल के सामने आ रही है। हाईकमांड वल्लों सिद्धू ने पंजाब प्रधान बनाए जाण ते पंजाब कांग्रेस च हलचल तेज हो गई है, जिस नूं लैके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों अपने सिसवा फार्म हाउस ते इक बैठक कीती गई है। इस विच कई वड्डे नेता भी शामिल होए। सूत्रां अनुसार मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस मुखी सोनिया गांधी नूं फोन कर नवजोत सिंह सिद्धू नूं पंजाब प्रधान बनाउण ते ओहदे ते ओहदे देण तों नाराजगी जताई है। हालांकि सिद्धू नूं वड्डा ओहदा मिलण दी कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। इस तों पहलां खबर आई है कि मुख्यमंत्री कैप्टन इस फैसले तों खुश नहीं अते सिद्धू दी अगवाई च आउण वालियां चोणां नहीं लड़ना चाहुंदे। इस दे तुरंत बाद मुख्यमंत्री दे मीडिया सलाहकार रवीन ठकुराल ने ट्वीट कर इन्हां खबरां नूं बेबुनियादी दस्सिया। अगली खबर वधदे आ। पंजाब कांग्रेस दी प्रधानगी नूं लैके चल रही खिचोतान खत्म हुंदी नजर आ रही सी अते लग रहा सी कि नवजोत सिद्धू नूं पंजाब प्रधान बनाया जाएगा, जिस तों लैके सिद्धू धड़े विच खुशी दी लहर पाई जा रही सी। पर पंजाब कांग्रेस दे इंचार्ज हरीश रावत वल्लों कीते गए ट्वीट तों बाद नवां कन्फ्यूजन पैदा हो गया। उसने ट्वीट विच कहा कि उसने सोनिया गांधी नाल मुलाकात तों बाद अजिहा नहीं कहा सी कि नवजोत सिद्धू नूं पंजाब प्रधान बनाया जाएगा। मैं कहा सी कि इस दे आस पास फैसला आ सकदा है। दस दिए कि सिद्धू खेमे विच हरीश रावत दे बयान तो बाद खुशी दी लहर सी, पर हुण उसदे ट्वीट तो बाद कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि सिद्धू नूं प्रधानगी मिलेगी जां नहीं। इस पूरे मामले ते जानकारी लई साडे नाल जुड़ चुके ने दिल्ली तो पत्रकार अजय झा जी। अजय, हरीश रावत दे बयान तो बाद सिद्धू दे वड्डे ओहदे ते इक वारी फिर कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। दिल्ली तो पत्रकार अजय झा नाल संपर्क किया जा रहा है। माफ करना, संपर्क टुट गया। इस दौरान ही अगली खबर वल वधदे हां। खेती कानून का विरोध किसानों वालों लंबे समय तो किया जा रहा है अते सियासी आगुआ का घिराव भी जारी है। इस चलते कई थावां ते पुलिस वालों किसानों ते परचे भी दर्ज हो रहे ने अते गिरफ्तारियां भी हो रही ने। पिछले दिन पुलिस वालों किसानों ते दर्ज किए देश द्रोह के मामले की अकाली दल की साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल वालों निंदा की गई। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा कि किसानों उत्ते झूठे परचे दर्जे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के निर्देश दे तहत विरोध करने वाले किसानों अते किसान आगुआ दे खिलाफ झूठे दोष लगाए जा रहे ने। उन्होंने कहा कि इस दे खिलाफ अकाली दल एकजुटता दे नाल खड़ा है। अगली खबर वल वधदे आ। केंद्र सरकार वालों लागू किए खेती कानूनों का विरोध किसानों वालों लगातार जारी है। संयुक्त किसान मोर्चे वालों शुरू होने जा रहे मानसून सैशन दौरान संसद का घेराव करने का सद्दा दिता गया। इस लैके भारतीय किसान यूनियन की मीटिंग सूबा प्रधान जगजीत सिंह डलेवाल की अगवाई फतेहगढ़ साहब विच हुई। मीटिंग विच संसद का घेराव करने लिए वर्करां दीआं ड्यूटियां लगाई गई। इस मौके डलेवाल ने कहा कि 22 जुलाई न संसद दे घिराव करने लिए वर्करां दीआं ड्यूटियां लगाईआं गईआं ने अते मार्च वेले गिरफ्तारियां देणियां पईआं तां ओह पिछे नहीं हटणगे। उन्होंने कहा कि जदों तक खेती कानून रद्द नहीं हुंदे उन्हां दा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा आगुआं ते हो रहे हमले नूं भाजपा लोकतंत्र दे घाण दी गल आखी है, पर जदों दिल्ली वल कूच वेले जदों किसानां नूं पाणी दीआं बुछाड़ां नाल रोकिआ जा रिहा सी उदों लोकतंतर दा घाण नहीं होइआ सी। जथे पार्लीमेंट वाल जाने 200 के जथे वो तैयारी वास्ते साडा प्रोग्राम सीगा। सारयां नूं उस मीटिंग तो असी जाणू करवाया। नाल जिहड़ी अगली गल है कि मोर्चा किहड़े पड़ावां विच है, मोर्चे की की सिचुएशन है, वो सारी गल्लबात अज किसानां नूं अपडेट भी करनी सी। ते नाल दी नाल असी जिहड़ा संसद मार्च वाला जिहड़ा साडा प्रोग्राम है, गिरफ्तारियां देणियां पैंदियां ते गिरफ्तारियां देण दा प्रोग्राम है, वो सारे दे बारे दे अज किसानां ने विचार चर्चा की है और ड्यूटियां लाईआं
कि हर ब्लाक अपनिया लिस्टा सानू 17 तरीक तक साढ़े को मुहैया करा दूगा ताकि 18 तरीक नी अगे मतलब संयुक्त मोर्चे के सारिया लिस्टा पहुँचदिया कर देंगे। उतों जाके असी एक मतलब फिर प्लानिंग के तहत बंदे तोरिया करा 200 बंदे पांच आयस जथेबंदी के पांच आयस जथेबंदी के देखो मैं गल करा बीजेपी वाले जिहड़े वीर ने लोकतंत्र का घाण इन्हां नूं इह दस रहा है कि लोकतंत्र का घाण है। जिस दिन किसान दिल्ली नूं जा रहे सी हरियाणा सरकार वल्लों सड़कां पट्टियां जा रहियां सी ओह लोकतंत्र का घाण नहीं। अगली गल असी उत्थे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सानू सरकार ने सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी इत्थे बैठणगे साढ़े ते पथराव हुंदा है बीजेपी के लीडर ने और उन्होंने खिलाफ अज तक दिल्ली गवर्नमेंट वालों बीजेपी सरकार वालों कोई कार्रवाई नहीं होंगी तो यू अपने आप की समझो कि सा प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं। अगर साडा राइट है तो फिर सानू क्यों परेशान किया जा रहा है कोई मतलब नहीं। जिहड़ा भी कुछ हो रहा बीजेपी की गलत शब्दावली करके हो रहा उन्होंने जी माड़ी लोगों वर्ताओ है वो करके हो रहा मोर्चा उतों साढ़े कानून रद्द करने से वापस आ जाएंगे असी मंगते की इन्हों तो ये तो मंगते ही कुछ नहीं साड़ी खातर कानून करन वापस असी वापस आ जाएंगे रोले नहीं देंगे। अगली खबर वाल वधदे हां। अगली खबर है मुख्यमंत्री दे सलाहकार रवीन टंडन नूं लैके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों पार्टी नूं अस्तीफा देण दीआं उड़ रहीआं अफवाहां ते फुल स्टॉप लाउंदे होए कैप्टन दे मीडिया सलाहकार रवीन ठकुराल ने एक ट्वीट किया है जिस विच उन्हां ने स्पष्ट किया है कि कैप्टन वल्लों ना तां अस्तीफा दिता गया अते ना ही अजिहा करन दी पेशकश कीती गई। उह 2022 दीआं चोणां विच पंजाब कांग्रेस नूं जितोण लई पार्टी दी अगवाई करनगे जिस तरह 2017 विच कीती सी। उन्होंने के मीडिया विच अजिहियां अफवाहां ना फैलाईयां जाण। दस दिए कि पिछले दिनी दिल्ली विखे कैप्टन अमरिंदर सिंह दी मीटिंग सोनिया गांधी नाल होई सी अते अफवाह फैली सी कि मुख्यमंत्री अपना अस्तीफा ना लेके गए सन। अगली खबर वल वधदे आ। पंजाब कांग्रेस तो बाद हुण नैशनल कांग्रेस दे विच वी फेर बदल दीआं खबरां सामने आ रहीआं ने। सूत्रां दे मुताबिक मध्य प्रदेश दे साबका मुख्यमंत्री कमलनाथ नूं कार्यकारी प्रधान बनाया जा सकदा है। इन्ना ही नहीं आउण वाले कुछ महीनों से कांग्रेस पार्टी के नवे प्रधान नूं चुनन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इस सब की जानकारी देने लिए साडे नाल जुड़ चुके ने दिल्ली तो पत्रकार अजय झा। जी अजय, पंजाब के साथ साथ नेशनल लेवल पे भी कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की लगातार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात हो रही है, उसे साफ संदेश है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन के अंदर बड़ा फेरबदल कर सकती है। आज भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के बीच बैठक हुई है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी एक नए तरीके और नए कलेवर के साथ नजर आ सकती है। और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव जो लगातार टलता जा रहा है, जिसमें ये संभावना जताई जा रही थी कि राहुल गांधी फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं, उसको उसके ऊपर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष के पद पे जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, सोनिया गांधी ही बनी रहेगी, लेकिन साथ ही 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं जिनको अलग अलग जोन का इंचार्ज बनाया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से नाम सामने छन के आ रहा है उसमें कमलनाथ, गुलाम नबी आजाद, रमेश चेन्नीथला और सचिन पायलट का नाम सामने आ रहा है कि इन लोगों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पहले ये कहा गया था पिछली बार जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी कि कोरोना के बाद कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव होंगे, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा, लेकिन अब ये जानकारी है कि अब बचे हुए टर्म के लिए सोनिया गांधी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी, लेकिन उनके साथ साथ 4 वर्किंग प्रेसिडेंट लगाए जा सकते हैं जिसमें कमलनाथ, गुलाम नबी आजाद, रमेश चेन्नीथला और सचिन पायलट का नाम सबसे आगे है। ਤੇਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹਲਚਲ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਐਮਪੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੇ ਬੋਲੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਖੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
खेती कानूनों का विरोध किसानों वालों लगातार जारी। किसान आगू जगजीत डल्लेवाल ने दसिया संसद घिराव का पूरा एक्शन प्लान।